नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 फरवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज पेश होगा बिहार का बजट। कोविड-19 के कारण बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए बिहार में आज बजट पेश होने वाला है। राज्य की नीतीश सरकार बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आज पेश करेगी। बजट का आकार लगभग 2.20 लाख करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है। साल 2020-21 में राज्य का बजट आकार 2,11,761.49 करोड़ रुपए था। स्कीम और गैर स्कीम के लिए बराबर बराबर राशि रखी गई थी। जानकारों की माने तो आगामी वर्ष में सरकार के सामने नए बनने वाले शहरों में आधारभूत संरचना का विकास करने, अस्पतालों में तमाम संसाधनों की आपूर्ति करने, डॉक्टरों नर्सों के रिक्त पदों पर बहाली, नई शिक्षा नीति को लागू करने और साथ ही शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने, किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही सर्विस सेक्टर में उछाल लाने की अहम चुनौती होगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर के कुल मिलाकर 30 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषयों में डिप्लोमा या डिग्री का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 13 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट main.sci.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में ई संजीवन की हुई शुरुआत। मेडिकल क्षेत्र में सुविधाओं के लिए आज नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मौजूद रहे थे। इस व्यवस्था के लागू होने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों को मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन व्यवस्था के तहत अब जिले के विशेषज्ञ डॉक्टर से गांव के मरीज परामर्श ले सकेंगे। जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र को इससे जोड़ा गया है। इस व्यवस्था से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इसके अलावा 3 अन्य सुविधाओं का भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें अश्विन पोर्टल, वंडर ऐप और 102 बिहार इमरजेंसी एम्बुलेंस पोर्टल शामिल है। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो देवता सूर्य को समर्पित है। मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता है। तमाम हिंदू मंदिरों के विपरीत यह पश्चिमा विमुख देव सूर्य मंदिर देवार्क माना जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा फलदायी एवं मनोकामना पूर्ण करने वाला है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने सिर्फ एक रात में किया था। इस मंदिर के बाहर पाली लिपि में लिखित अभिलेख मिलने से पुरातत्वविद इस मंदिर का निर्माण काल 8वीं-9वीं सदी के बीच का मानते हैं। मंदिर के नामकरण और निर्माण को लेकर अनुश्रुतियां अपनी जगह है। पुरातात्विक प्रमाण भी इसकी प्राचीनता की ओर इशारा करते हैं। पानी के लिए गंभीर दिख रही है राज्य सरकार। पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में पीएचईडी और पंचायती राज विभाग एक योजना पर काम कर रहे हैं कि राज्य के शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह पेयजल के दुरुपयोग को रोका जाए। इसके तहत नियम तोड़ने वालों को 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे घरों का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित विभाग उपभोक्ता के खिलाफ सर्टिफिकेट वाद दायर कर आगे की कार्रवाई करेंगे। पानी की बर्बादी रोकने के लिए जो रणनीति बन रही है, इसके तहत 1 महीने में 2100 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि रोजाना 70 लीटर। बिहार में जल्द ही बनेगी मेडिकल रिसर्च रूरल हेल्थ यूनिट। बिहारियों में होने वाले बीमारी का इलाज अब साइंटिस्ट ढूंढने वाले हैं, जिसके तहत बिहारियों में डायबिटीज और हाइपरटेंशन का कारण साइंटिस्ट ढूंढेंगे। आखिर किन कारणों से इन लोगों में इसके लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट बिहार के लोकल बीमारियों पर भी काम करेंगे। केंद्र सरकार का यह बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत बिहार में हो रही है। मुजफ्फरपुर में इसके लिए बिहार की पहली मेडिकल रिसर्च रूरल हेल्थ यूनिट तैयार की जा रही है। इसकी निगरानी RMRIMS पटना से होगी। साइंटिस्टों का कहना है कि इस यूनिट के तैयार होने से शोध का काम आसान होगा और बीमारियों का कारण तलाशा जा सकेगा। बिहार पुलिस के 51% अफसरों और जवानों को लगा कोरोना का टीका। बिहार समेत पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण का काम किया जा रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। बिहार पुलिस और अधिकारियों के जवानों के टीकाकरण के लिए 11-12 फरवरी को विशेष अभियान भी चलाया गया था। हालांकि अभी भी टीकाकरण जारी है। अब तक 51.2% पुलिसकर्मियों ने कोविड-19 से बचाव के लिए टीके का पहला डोज ले लिया है। कोविड-19 का टीका लगाने के मामले में कई जिला पुलिस की स्थिति बेहतर है। वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां बहुत कम संख्या में पुलिसकर्मियों ने टीका लगवाया है। बांका जिले में 904 पुलिसकर्मी पोर्टल पर पंजीकृत हुए हैं, इनमें 750 ने टीके का पहला डोज ले लिया है।
बिहार में कोरोना के मामलों की रफ्तार हुई कम। बिहार में कोरोना के मामलों की रफ्तार कम देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 94 मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रभावित 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 23 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही औरंगाबाद में 13 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 536 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 260,088 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो बिहार में COVID-19 मरीजों का रिकवरी दर 99.21% है। नौकरी के लिए विदेश जाने में बिहार का सिवान जिला सर्वश्रेष्ठ स्थान पर। नौकरी की तलाश में दूसरे शहर में जाने के साथ साथ बिहारियों का बोलबाला विदेशों में भी देखने को मिलता है, और यही कारण है कि विदेश जाने के मामले में बिहार का सिवान जिला शीर्ष पर बताया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना के आंकड़ों ने इस बात के सबूत दिए हैं। पासपोर्ट लेने के मामले में सिवान वाले पूरे बिहार में सबसे आगे है। इतना ही नहीं, राजधानी पटना को भी सिवान वालों ने पीछे छोड़ दिया है। साल 2019-20 में राज्य में 3,05,300 पासपोर्ट जारी किए गए थे, जिसमें सर्वाधिक सिवान के लिए थे और दूसरे और तीसरे नंबर पर पटना और गोपालगंज के रहने वाले थे। जानकारों की माने तो बिहार में उद्योगों की संख्या कम है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि रोजगार की सीमित अवसरों के कारण ही राज्य के बहुत सारे श्रमिक बिहार से बाहर प्रवास कर रहे हैं, और यही कारण है कि बिहार से विदेश जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा भी आंकी गई है। बिहार के 711 थाने का क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्किंग से हुआ जुड़ाव। बिहार के थानों को CCTNS नेटवर्क से जोड़ने का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। खबरों की माने तो 711 थाना क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। इन थानों को कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए स्थानीय अदालतों से भी लिंक कर दिया गया है, जिसका फायदा भी दिखने लगा है। इन थानों के हजारों FIR डिजिटल फॉर्म में ICJS के पोर्टल पर उपलब्ध है। 31 मार्च तक 894 थानों को CCTNS से जोड़ने का लक्ष्य भी रख लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस नेटवर्क से जुड़ चुके थानों में दर्ज होने वाली FIR को डिजिटल फॉर्म में तैयार किया जाता है। इसके लिए नेटवर्क में पहले से व्यवस्था की गई है। 1 मार्च से बिहार वासियों को मिलेगी ट्रेनों की सौगात। रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधाओं के लिए 1 मार्च से कई ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। इससे यूपी बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से ट्रेनों के संचालन को लेकर सारी जानकारी साझा कर दी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि इस गाड़ी में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को COVID-19 के मानकों का पालन करना होगा। रेलवे की तरफ से लखनऊ छपरा, लखनऊ विशेष गाड़ी और छपरा फरुखाबाद छपरा विशेष गाड़ी का संचालन शुरू होगा। ईवीएम विवाद पर पंचायती राज मंत्री ने दिया अपना बयान। पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम विवाद तुल पकड़ता जा रहा है। पंचायती राज मंत्री ने अब यह साफ कर दिया है कि बिहार में सबसे आधुनिक मशीन मंगाई जा रही है। इस मशीन का प्रयोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किया गया है। इसी ईवीएम का प्रयोग बिहार में भी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव के लिए अभी तक भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, जिससे मामला हाईकोर्ट में चला गया है। जिसके बाद से अब अपने गृह जिले पहुंचे पंचायती राज मंत्री ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में उनको मौका नहीं मिलेगा, जिनको नल जल योजना और 7 निश्चय योजना में ठीक से काम जिन्होंने नहीं किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी लापरवाही बरतने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बिजली मीटर की जांच करवाना अब हो सकता है और ज्यादा महंगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम सूचना। बिजली मीटर खराब होने और उसकी जांच में अधिक से अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष मीटर जांच का शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है, जिसके तहत प्रस्तावित शुल्क 200 से लेकर 1100 रुपए तक है। अगर आयोग की मुहर लगी है तो लोगों को 1 अप्रैल से नई दर के अनुसार ही मीटर जांच करानी होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपभोक्ताओं के कनेक्शन के अनुसार लोगों को अलग अलग मीटर दिए जाते हैं। घरेलू श्रेणी में अधिकतर उपभोक्ता सिंगल फेज मीटर का उपयोग करते हैं, जबकि व्यावसायिक छोटे उद्योग बड़े उद्योग में मीटर अलग होते हैं। KBC 5 के विजेता सुशील बांट रहे हैं पक्षियों को आशियाना। KBC 5 के विजेता सुशील कुमार अब पक्षियों को आशियाना बांटते दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार केबीसी के विजेता रह चुके सुशील कुमार का गौरैया बचाओ अभियान अब रंग दिखाने लगा है। इसके साथ ही उन्होंने अब तक कम से कम 2000 घरों में गौरैये का घोंसला बनाया है। इसके तहत 500 घोंसलों में गौरैयों की आमद हो चुकी है। यह सारा काम वो खुद अपने संसाधन के बदौलत ही कर रहे हैं। इस काम में उन्हें दूसरे लोगों का भी साथ मिलने लगा है। पहले वो लोगों से अपने घरों में घोंसला लगवाने की अपील करते हैं, लेकिन अभियान से प्रभावित होकर गृह जिला पूर्वी चंपारण के साथ ही अब दूसरे जिलों से भी लोग उन्हें घोंसला लगाने के लिए खुद आमंत्रित करते देखे जा रहे हैं। सुशील की माने तो इस अभियान के 3 चरण में किया जा रहा है।
ईंट भट्टों के संचालन के लिए अपनाई जाएगी नई पद्धति। हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी नीरज कुमार सिंह को सौंपी गई है, जिसके बाद मंत्री नीरज कुमार सिंह बीते दिन सुपौल पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। बिहार सरकार में मंत्री और छातापुर के विधायक नीरज कुमार बबलू ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि 2012 में अब तक बिहार में 23 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी तकनीक से संचालित हो रहे ईंट भट्टों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जिन जिन चिमनियों जिगजैग तकनीक से ईंट का उत्पादन नहीं हो रहा है, उन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। इसे लेकर प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। जापान ने भारत से मांस और अंडे सहित सभी कुक्कुट उत्पादों के आयात पर 2006 में आज ही के दिन रोक लगाई थी। युवा आलोचक और समकालीन भारतीय कला के संपादक डॉक्टर ज्योतिष जोशी को 22 फरवरी साल 2008 में देशी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी। 1889 में भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का 1944 में आज ही के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली थी। श्रम संसाधन मंत्री ने कर्मियों को ईएसआईसी का लाभ देने को लेकर दिखाई सख्ती। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से हाल ही में साझा की गई जानकारी के अनुसार आने वाले समय में अगर बिहार के निजी संस्थान, दुकान और अन्य कारोबार करने वाले लोग 10 या इससे अधिक कर्मचारी रखते हैं तो उन्हें हर हाल में ईएसआईसी का लाभ जो है वो देना होगा। ऐसा नहीं करने पर अगर शिकायत मिली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरों की माने तो लॉकडाउन के बाद 100 से अधिक लोगों ने श्रम संसाधन विभाग को इस संबंध में शिकायत जारी की थी, जिसके बाद श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने समीक्षा बैठक पर दिशा निर्देश भी दिया था। श्रम अधिनियम की माने तो 10 या इससे अधिक कर्मचारी वाले संस्थानों में काम करने वालों को ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ मिलना है। बिहार में कारखाना या बड़ी संस्थाओं को छोड़ दे तो इस नियम का पालन नहीं होता है। निगरानी की रेड में धन कुबेर निकला इंजीनियर। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बीते दिन जिला अभियंता धनंजय मणि तिवारी के घर पर अचानक से छापेमारी की, जिसके बाद अभियंता के धन कुबेर होने की जानकारी मिली है। खबरों की माने तो सिवान स्थित आवास पर जब निगरानी ने छापा मारा तो 4,92,000 नकद मिले, जबकि जमीन के 78 दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। इसके साथ ही निगरानी की जांच जारी है। अब तक 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता लगाया जा चुका है। निगरानी ब्यूरो की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अभियंता की छापेमारी में 22 बैंक खातों का पता चला है। इसके साथ ही जीवन बीमा की 20 पॉलिसी के कागजात, साथ ही साथ 10 लाख रुपए से अधिक के सोना चांदी आभूषण भी मिले हैं। इसके अलावा कई वाहन भी जब्त किए गए हैं। अब तक की तलाशी में करीब 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है। आपको बता दें, सिवान के जिला परिषद अभियंता धनंजय मणि तिवारी वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत है। गया में बिहार तीरंदाजी चयन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। गया शहर के मारनपुर मोहल्ला स्थित दया प्रकाश सरस्वती विद्यालय के प्रांगण में बीते दिन बिहार राज्य तीरंदाजी चयन प्रतियोगिता 2020-21 का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य के कई जिलों के तीरंदाज प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ ही प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व भी करते देखे गए। इस मौके पर तीरंदाजी शिक्षक ने बताया कि विद्यालय के प्रांगण में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पटना, गया, आरा, भभुआ और भागलपुर सहित अन्य कई जिलों के लगभग 50 से 60 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे थे। शिक्षकों की माने तो इस प्रतियोगिता में सफल होने वाले प्रतिभागी जूनियर प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड के देहरादून और सब जूनियर प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के अमरावती में खेलने जाएंगे। वहां वो बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर राजद ने किया अनूठा प्रदर्शन। पूरे देश में पेट्रोल की कीमत ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है, जिसके बाद अब पेट्रोल की बढ़ती कीमत राजनीतिक मुद्दा भी बन गई है। इसी क्रम में बीते दिन बिहार की सड़कों पर राजद का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ ये देखने को मिला, जब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर में सड़क पर उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों को गधे से खींचते हुए विरोध जताया। विरोध कर रहे नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत उनकी औकात से बाहर हो गई है, उनके पास तेल की खरीद के लिए पैसे नहीं है, इसलिए गधे के सहारे अपनी बाइक चला रहे हैं। प्रदर्शन के बहाने राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार पर भी खूब निशाना साधा। उमेश यादव को मिले प्राइस पर नेहरा ने जताई हैरानगी। इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से अभी तक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार आईपीएल भारत में ही होगा और दर्शकों को भी मैच देखने की अनुमति मिलेगी। 18 फरवरी को हुए ऑक्शन में इस बार जहां क्रिस मॉरिस, मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी बड़ी रकम हासिल करने में कामयाब रहे, वहीं भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव को सिर्फ 1 करोड़ रुपए में ही खरीदा गया। उमेश यादव पर लगाई गई बोली को देखकर आशीष नेहरा ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि उमेश यादव जैसे भारतीय तेज गेंदबाज को सिर्फ 1 करोड़ रुपए में खरीदा जाना काफी निराशाजनक है।
रानी चैटर्जी की सुहागन वाली तस्वीर आई सामने। भोजपुरी की जानी मानी अदाकारा रानी चैटर्जी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से उनकी एक तस्वीर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। रानी चैटर्जी द्वारा शेयर किए गए लेटेस्ट तस्वीर में रानी शादीशुदा महिला के रूप में दिख रही है। उन्होंने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है। रानी की शादी की तस्वीर वो काफी ज्यादा इसमें वो खूबसूरत लग रही हैं। तस्वीर के कैप्शन में रानी ने लिखा है सारी में नारी। हालांकि खबरों की माने तो एक्ट्रेस की यह तस्वीर अपने किसी प्रोजेक्ट की है, इस बात की जानकारी उन्होंने खुद भी साझा की है। खबरों की माने तो रानी चैटर्जी की तरफ से शेयर किए गए तस्वीर उनकी किसी फिल्म की शूटिंग के है। इंस्टाग्राम पर अब मैसेज भेजना हो तो हो जाए सावधान। इंस्टाग्राम यूजर के लिए अहम जानकारी। पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल आज दुनिया भर में हो रहा है। आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर कोई आपको इंस्टाग्राम पर आसानी से मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन पर बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते कुछ लोग इंस्टाग्राम अकाउंट का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आपको नफरत फैलाने वाले भाषण से लेकर कई आपत्तिजनक वीडियो डायरेक्ट मैसेज के जरिए लोग भेज रहे हैं। इस तरह अब्यूज और बदमाशी से निपटने के लिए इंस्टाग्राम कई सख्त कदम उठाने जा रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ऐसे अकाउंट को डिसेबल कर देगा जो मैसेज में गाली और नफरत फैलाने वाली चीजें लेकर किसी को भेजते हैं। इंस्टाग्राम ने साफ कहा है कि अभद्र भाषा के खिलाफ हमारे नियम लोगों को उनकी संरक्षित विशेषताओं के आधार पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,130 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,130 रुपए था। इसके अलावा चांदी की कीमत प्रति किलो 69,000 दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो पेट्रोल का दाम 93.22 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है। वहीं डीजल 86.47 रुपए दर्ज किया गया है। सीबीएसई ने बदले 10वीं और 12वीं परीक्षा के प्रश्न के पैटर्न। कोविड 19 के आने के बाद से पूरा सिस्टम पूरी तरीके से बदल कर रह गया। वहीं परीक्षा को लेकर भी अहम बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 4 मई 2021 को प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा को लेकर सैंपल पेपर जारी कर दिया है। सैंपल पेपर की समीक्षा के बाद सीबीएसई स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि परीक्षा के पैटर्न में कई बदलाव किए गए हैं। अब जब परीक्षा में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में छात्र पैटर्न में हुए इन बदलावों को ध्यान में रखकर तैयारी करने में जुट गए हैं। हालांकि जानकारों की माने तो इस साल का परीक्षा बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कोविड 19 संक्रमण से लगभग पूरे सत्र के लिए विद्यालयों को बंद रखना पड़ा था। इससे छात्रों के अध्ययन को बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि शिक्षकों की माने तो सीबीएसई की तरफ से एग्जाम पैटर्न में किए गए संशोधन के बाद छात्रों को परीक्षा में काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल जिसमें हमने बिहार की खबरों को 25 से 30 न्यूज करने के बारे में पूछा था, बहुतों ने 30 न्यूज का समर्थन दिया है और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द 30 न्यूज को पेश कर सके। इसके साथ ही कल जिन लोगों ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कॉमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम मांझी, शहनवाज आलम, गौतम पंडित, रंजीत मेहता, रानी कुमारी, सोनू सम्राज ऑफिशियल, मुकेश कुमार पासवान, पवन कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में आज से पेश होने वाले बजट में किस किस क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।